अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। द नेक्स्ट गुर्बन वेस और शॉप इन अ मॉल। वेल, टॉपिक तो ज़रा मुश्किल है। मॉल के अंदर जब भी कभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो भाई बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, बड़े छोटे से स्पेस की, उसके अलावा मॉल बन जाए फिर रन हो जाए तो उसके अलावा उसके ऊपर आपको रेंटल रिटर्न आएगा। लेकिन जब आप इसी दुकान को बेचने के लिए मार्केट में जाएंगे तो भाई बहुत सारे लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते कि यार इन प्रोडक्ट्स को खरीदें। उनके रेंटल रिटर्न्स देखने होते हैं, ये देखना होता है कि वो आइडियली लोकेटेड हैं मॉल में कि नहीं। फिर उसके अलावा उन शॉप्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब मॉल अपनी शॉप्स को रेंट के ऊपर देता है तो आपने खरीदा हुआ तो 300 या 190 स्क्वायर फीट आपने लिया हुआ होगा, लेकिन जब मॉल ने वो एरिया रेंट के ऊपर दिया हुआ होगा तो एक बहुत बड़े ब्रांड को दिया हुआ होगा। हो सकता है सफायर बैठा हुआ हो सकता है खाड़ी बैठा हुआ हो सकता है बाटा बैठा हुआ हो सकता है चारकोल ब्रांड बैठा हुआ हो, लेकिन वो जब आप ब्रांड को बैठाते हैं तो ब्रांड बैठता है 1,000, 1,500, 2,000 स्क्वायर फीट के ऊपर, यानी 4-5 लोगों की, 6 लोगों की दुकानें उसके अंदर या उनके जो स्क्वायर फुटेज स्पेसेस होते हैं वो उसके अंदर हमें आते हुए नजर आ रहे होते हैं, तो उनको बेचना एक बड़ा काम होता है। और बहुत सारे लोग जो कि मॉल्स में इन्वेस्ट करते हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि अपनी दुकानें बेचते हुए बिल्कुल बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो बाल भी जो आपने रंग से काले किए हुए हों वो भी सफ़ेद हो जाते हैं उनको बेचते बेचते, तो बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप आमतौर पर मार्चों में इन्वेस्ट वो कर रहे होते हैं कि यार गाड़ी का मार्चा कर लो मेरी दुकान के साथ, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी का मार्चा कर लो जो आपकी भी नहीं बिक्री मेरी भी नहीं बिक्री, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेंटल इनकम प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है और रेंटल इनकम प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टीज बहुत कम या और मुश्किल से मिलती हैं। और मॉल की भी एक लाइफ होती है, मॉल की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20-25 साल की होती है। 20-25 साल बाद मॉल रिडंडेंट हो जाता है। ऐसे बेशुमार मॉल्स मैं आपको बता सकता हूँ कि जो कि ज़्यादा पहले, और कुछ जो कि जिन्होंने अपना टाइम स्पैन पूरा किया और उसके बाद वो रिडंडेंट हो गए और मार्केट में नई और बेहतर चीज़ आ गई घूमने फिरने की, बेहतर मॉल आ गया, ज़्यादा बड़ा मॉल आ गया। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, कराची के अंदर पार्क टावर्स है, तो आप अगर उसका देख लें जाके तो वो गिर गिरा भी गया है, लेकिन किसी ज़माने में हर नए बच्चे ने जो कि इस टाइम के ऊपर जवान आदमी है उसने पार्क टावर्स को कराची में ज़रूर देखा होगा, वहाँ पे ज़रूर घूमा फिरा हुआ होगा। और अभी भी आप गूगल के ऊपर लिखेंगे तो यू विल फाइंड सम रियली गुड वीडियोज़ एंड पिक्चर्स ऑफ दैट मॉल। वो अपने टाइम के अंदर एक शाहकार था लेकिन वक्त के साथ ख़त्म हो गया, और उसकी बिल्कुल खाली तस्वीरें और आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी तकरीबन उसके गिरते हुए या टूटते हुए। लेकिन अगर आप खास तौर पे अपनी प्रॉपर्टी के अंदर किसी हिल स्टेशन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हिल स्टेशन के अंदर गेटिंग ऑन इन टाइम यानी अगले 10 साल में ऐसा होगा कि लोग सोचेंगे यार काश मैं 10 साल पहले मरी में, दथिया गली में, बूर्बन में इन्वेस्ट कर लेता और की स्पेसेस को पकड़ लेता, तो वो जगहें कितनी ज़्यादा लिट हो गई वक्त के साथ। तो अब टाइम है ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करने का। और हाँ, अगर आप मरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि वहाँ की ज़मीनें क्लियर नहीं होती हैं और लोगों को बड़ा ये खास तौर पे मरी की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर इशू आया, तो उसका तरीका ये है कि आप उसके अंदर ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्ट करें कि जिसको बिल्डिंग के ओनर मैनेज कर रहे हों, चला रहे हों, बना रहे हों, मेंटेन कर रहे हो, और आपकी इन्वेस्टमेंट उनके साथ बिल्कुल सेफ हो। तो ऐसे लोगों के पार्टनर्स बने जो कि अच्छे हों पार्टनर्स बनाने के लिए और अच्छे हों काम करने के लिए। तो आई बिलीव दैट यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर गुड एरियाज टू इन्वेस्ट इन, एंड द नेक्स्ट बूर्बन इज अ ग्रेट ग्रेट एरिया टू बी इन्वेस्टिंग इन, एंड आई बिलीव कि आप जरूर इसको विजिट करें और देखें कि द नेक्स्ट बूर्बन के अंदर कहीं बहुत लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं, कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो ज़रूर अपना विजिट प्लान करें। डू गिव अस अ कॉल बिफोर कमिंग एंड इंशाल्लाह आई बिलीव दैट यू विल लाइक द प्लेस।